वेलकम बैक टू माय चैनल इजी सी। आज हम मीठा में सुतपेनी बनाएंगे। अक्सर हम खाने पर सेवइयां बनाते रहते हैं। आज हम बहुत ही टेस्टी और इजी सेवई बनाएंगे, जो बनाने में बहुत मज़ेदार है और खाने में काफ़ी टेस्टी है। इसको बनाने के लिए हम 1 लीटर दूध लिए हैं। दूध को पैन में डाल देंगे। दूध हमारा पहले से बॉयल है, इसीलिए इनको ज़्यादा देर बॉयल नहीं करना है। अगर आप कच्चा दूध लेते हैं तो उसको कुछ देर खौला लें और कुछ गाढ़ा कर लें। जब तक हमारा दूध गाढ़ा होता है तब तक इसमें डालने के लिए हम 2 छोटा चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे। यह वेलेना फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है। अगर आप सिंपल कस्टर्ड पाउडर लेते हैं इस सुतपेनी को बनाने के लिए, उसमें आप टेस्ट के लिए इलायची पाउडर डालें। यह वेलेना फ्लेवर में हमारा कस्टर्ड बनेगा। इसमें हम ठंडा दूध डालेंगे और इनको घोल लेंगे। आप चाहें तो पानी से भी इसका घोल बना सकते हैं। पतला एक घोल बनाएंगे जिससे यह दूध में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। कुछ दूध और डाल देते हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सुतपेनी तो अक्सर हम बनाते रहते हैं। इस तरीके से आप सुतपेनी बनाएंगे तो यह काफ़ी टेस्टी लगेगा। और फ्रिज में रख कर आप फालूदा या कस्टर्ड के जगह आप इनको आराम से खा सकते हैं। यह है सुतपेनी। बहुत से लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। यह काफ़ी पतला होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है और इनको पकाने से पहले भूनना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट ही इनको हम पकाते हैं। रमजान का समय चल रहा है, यह जगह जगह बहुत ही आराम से मिल जाते हैं। इससे ही आज अपना हम स्वीट डिजर्ट बनाएंगे। दूध हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। हम बताए थे कि दूध पहले से ही बॉयल होकर गाढ़ा हो गया है, इसीलिए इनको हम ज़्यादा देर नहीं खोलाएंगे। आज को धीमा कर देंगे और इसमें घोल कर रखे हुए कस्टर्ड पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं और लगातार चलाते रहते हैं, जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए और यह पेंदी में जमे ना और कहीं इसका थक्का ना बने। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके डालते रहें और इनको लगातार चलाते रहें। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इनको हमें खोलाना है। इस समय हम चम्मच को छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो डाला हुआ कस्टर्ड हमारा पेंदी में बैठ जाएगा और जल जाएगा, इसलिए आप इनको लगातार चलाते रहें। 100 ग्राम सुतपेनी लिए हैं, उसके हिसाब से इसमें हम 1 लीटर दूध लेते हैं। थोड़े से ही सुतपेनी में बहुत ढेर सारा आराम से सुतपेनी बनके तैयार हो जाता है। कुछ ही देर में देखेंगे कि दूध गाढ़ा हो गया है। हम कम मात्रा में कस्टर्ड पाउडर लिए थे, इसीलिए इतना ही गाढ़ा दूध हमें करना है। दूध को हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। टेस्ट के लिए इसमें आप कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल दें, जो आपको पसंद है वो डालें या जो आपके पास है उनको डाल दें। और कुछ चलाते हुए ड्राई फ्रूट को भी हम सॉफ्ट कर लेंगे और मीठा के लिए चीनी डालेंगे। आप मीठा जिस हिसाब से पसंद कर रहे हैं उस हिसाब से इसमें चीनी डाल दें और चलाते हुए चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब इसमें हम सुतपेनी को डालेंगे। चीनी मिक्स होने के बाद गैस को हम बंद कर देते हैं और सुतपेनी को हम दूध में डाल देंगे। ध्यान रखेंगे कि इसको डालने के बाद हम ना आंच को ओपन रखेंगे ना इनको बॉयल करेंगे, नहीं तो ये बहुत ही लेई की तरह गल जाएंगे। सुतपेनी हमारा इतना सॉफ्ट होता है कि यह डालते ही 2 मिनट के बाद अपने आप ही एकदम गल जाता है, इसीलिए आंच को बंद करके ही इनको डालें और 2 मिनट के लिए छोड़ दें, जिससे सुतपेनी दूध में अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मीठा हो जाए। इस तरीके से यह हमारा सिंपल तरीके से बनने वाला सुतपेनी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगता है। इसको हम अपने सर्विंग बाउल में डाल लिए हैं। इसके ऊपर कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देते हैं और कुछ चेरी से इनको हम गार्निश करेंगे। आप इनको गर्मा गर्म खाएं चाहे ठंडा खाएं, फ्रिज में रख कर इनको आप खाएं तो ये ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आजकल रमजान के मौके पर हम मीठा कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। आप इस तरीके से बहुत ही टेस्टी, इजी और झटपट बनने वाला मीठा आप बना सकते हैं, जो कि यह सबको अच्छा लगेगा। और खाने में तो टेस्टी है ही है, बनाने में भी बहुत मज़ेदार है और समय भी कम लगता है। आजकल सेवइयां तो हम तरह तरह के बनाते हैं। इस तरीके से इजी और टेस्टी सुतपेनी बनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।